दोस्तों, हाल ही में समाप्त हुए फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल को फ्रांस ने जीता था और इसी दौरान क्रोएशिया का नाम शायद कुछ लोगों ने सुना होगा। दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं कि जुलाई 2018 में हुए फाइनल में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराया था। हेलो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ क्रोएशिया कंट्री के बारे में। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं इस देश से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। दोस्तों, क्रोएशिया पहली बार फाइनल में पहुंचा था और यह देश फुटबॉल वर्ल्ड कप के शुरू होने के बाद सन 1991 में आजाद हुआ था। आजाद होने के बाद सन 1998 में पहले प्रयास में ही क्रोएशिया सेमीफाइनल में पहुंच गया था। आज आपको क्रोएशिया के बारे में ही कुछ रोचक जानकारियां बताते हैं। क्रोएशिया को रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया के नाम से जाना जाता है। यह यूरोप के दक्षिणी पूर्व हिस्से में स्थापित एक छोटा सा देश है। क्रोएशिया के पास 56,594 किलोमीटर वर्ग का कुल क्षेत्र है और इस देश की जनसंख्या 42,80,000 के आसपास है। दोस्तों, क्रोएशिया के लोगों को क्रोट्स कहा जाता है। क्रोट्स 6वीं शताब्दी में क्रोएशिया पहुंचे। टोमिस्लाव नाम का व्यक्ति 925 ईस्वी में क्रोएशिया का राजा बना और यहाँ की राजधानी जगरेब है। जगरेब को सालों पहले अग्राम के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, यहाँ अगर आप बीच बाजार में खड़े होकर मियाँ या लुका पुकारेंगे तो संभावना है कि कई लोग आपकी ओर मुड़कर देखने लग जाए। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लुका क्रोएशिया में सबसे लोकप्रिय लड़कों का नाम है, जबकि मियाँ वर्तमान में सबसे लोकप्रिय महिला नाम है। सन 1918 से सन 1991 तक क्रोएशिया यूगोस्लाविया का हिस्सा था। 1991 में क्रोएशिया जंग लड़कर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और बहुत तनाव के समय में 25 जून 1991 को क्रोएशिया में स्वतंत्रता की घोषणा हुई। पर आजादी मिली ही नहीं थी, क्योंकि आजादी की घोषणा के बाद ही योगोस्लाव रिपब्लिक की आर्मी ने क्रोएशिया पर हमला कर दिया और उस हमले में क्रोएशिया के लोगों पर बहुत अत्याचार हुआ और लाखों लोग मारे गए थे। जनवरी 1992 में क्रोएशिया को यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी से मान्यता मिल गई और संयुक्त राष्ट्र ने क्रोएशिया को पहचान देकर स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। 1995 में युद्ध खत्म हुआ और क्रोएशिया की जीत हुई। दोस्तों, यूरोप महाद्वीप का सबसे पुराना शहर वनकोविची, यह एक पूर्वी क्रोएशियाई शहर है जहां पर पिछले 8,000 वर्षों से लोग बसे हुए हैं। चीन की दीवार के बाद दुनिया में पत्थरों की दीवारों का सबसे लंबे समय से संरक्षित और कारगर प्रणाली है और यह क्रोएशिया में ही है। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान क्रोट्स की लगभग 70,000 से 1,00,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। डालमेशियन प्रजाति के कुत्तों का जन्म स्थान क्रोएशिया और डालमेशिया का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ एक द्वीप जिसका नाम सुजाक है। इस द्वीप पर औरतों को पारंपरिक लिबास पूरे यूरोप में पहने जाने वाले पारंपरिक लिबासों से बहुत छोटे होते हैं। दोस्तों, ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ गेम ऑफ थ्रोन्स, किंग्स लैंडिंग और स्टार वॉर्स जैसी कई नामी फिल्मों की शूटिंग हुई है। चावल से चॉकलेट बनाने का आविष्कार 1963 में क्रोएशिया में ही हुआ था। दोस्तों, यहाँ एक प्लेस है जो कि जदर के नाम से जाना जाता है, जहाँ समुद्र द्वारा बजाया जाने वाला दुनिया का पहला पाइप ऑर्गेन है और इसे सूर्यास्त्र के लिए भी जाना जाता है, जिसे अल्फ्रेड हिचकॉक ने दुनिया में सबसे सुंदर कहा था। निकोला टेस्ला का जन्म स्मिलजन क्रोएशिया में ही हुआ था। क्रोएशिया के 78% लोग कम से कम एक विदेशी भाषा बोलने में माहिर होते हैं। दुनिया का पहला टारपीडो विमान का निर्माण क्रोएशिया के रिजेका शहर में किया गया था। इवान लोपिस ने 1866 में स्वचालित टारपीडो के पहले प्रोटोटाइप का विकास किया था। यहाँ का राष्ट्रीय फूल आयरिस है। दोस्तों, देश के आकार की बात करें तो क्रोएशिया दुनिया में 127वें स्थान पर है। क्रोएशिया ने 2016 में रियो में ओलंपिक खेलों में कई स्वर्ण पदक जीता। क्रोएशिया के लोग जितने क्रोएशिया में हैं उससे कहीं ज्यादा लोग विदेश में रहते हैं, जिनकी संख्या लगभग 42,00,000 है। यहाँ 1200 से अधिक द्वीप और द्वीप समूह हैं। दोस्तों, यहाँ एक द्वीप है जिसको बिसेवो के नाम से जाना जाता है और इस द्वीप में केवल 13 निवासी हैं।
वाइन के शौकीन लोग क्रोएशिया जा सकते हैं क्योंकि क्रोएशिया में 41,188 वाइन मेकर हैं। दोस्तों यहाँ अंगूर के बाग भी है जो कि 20,885 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। क्रोएशिया प्रति व्यक्ति शराब की खपत के लिए दुनिया में 4वें स्थान पर है। दुनिया में सबसे बड़ा नेकटाई जिसकी लंबाई 808 मीटर है इसे क्रोएशिया में प्रदर्शित किया गया था और इससे पूरा करने में 5 दिन लगे और 2003 में पूला एरिना के चारों ओर बांध दिया गया था। तो दोस्तों यह थी क्रोएशिया देश से जुड़ी कुछ अनोखी जानकारियाँ। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।